टिटहरी के अंडे से बारिश की भविष्यवाणी की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी ग्रामीण लोग और किसान टिटहरी के अंडे को देखकर बता देते हैं कि इस वर्ष बारिश कैसी होगी। लंबे समय तक टिटहरी के अंडों की संख्या और जगह के विश्लेषण के आधार पर यह पता लगाया गया कि टिटहरी किसी ऊंचे स्थान पर अंडे देती है तो उस वर्ष तेज बारिश होती है और बारिश अधिक होती है, और यदि टिटहरी नीचे स्थान पर या खड्डे में अंडे देती है तो उस साल बारिश कम होती है और सूखा पड़ने की संभावना रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टिटहरी को बारिश का पूर्वानुमान रहता है और वह अपने अंडों को बचाने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर अंडे देती है। टिटहरी के अंडों की संख्या यह दर्शाती है कि इस वर्ष बारिश कितने महीने होगी। यदि टिटहरी ने 3 अंडे दिए हैं तो 3 महीने तक बारिश होती है, और यदि 4 अंडे दिए हैं तो 4 महीने तक बारिश होती है। वही अंडों की स्थिति से तेज और धीमी बारिश का भी अंदाजा लगाया जाता है। जितने अंडे खड़े हैं उतने महीने तेज बारिश और जितने अंडे बैठे हैं उतने महीने धीमी बारिश होने की संभावना बताई जाती है। अर्थात यदि 2 अंडे खड़े और 2 अंडे बैठे हैं तो 2 महीने तेज बारिश और 2 महीने धीमी बारिश होती है। पारस पत्थर अत्यंत रहस्यमय और कीमती पत्थर होता है जो हर किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुरानी कहानियों में भी पारस पत्थर का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यदि पारस पत्थर लोहे को छू ले तो वह सोना बन जाता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि टिटहरी अपने अंडों को तोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। टिटहरी यह पारस पत्थर कहां से लाती है यह तो किसी को नहीं पता, किंतु टिटहरी को पारस पत्थर की जानकारी अवश्य होती है जिससे वह अपने अंडों को तोड़ने का कार्य करती है। इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। टिटहरी पेड़ पर नहीं बैठती है, यहाँ तक कि टिटहरी कभी भी ऊंची दीवारों, खंबे, तारों या किसी ऊंचे स्थान पर नहीं बैठती है। इसका मुख्य कारण टिटहरी की शारीरिक बनावट और इसका स्वभाव है। टिटहरी के पंजे जमीन पर चलने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। अर्थात टिटहरी के पंजे में आगे की अंगुलियां तो होती है किंतु पीछे की अंगुली नहीं होती है, जो मुख्यतः पेड़ पर या टहनी पर पकड़ बनाने के काम आती है। पीछे की अंगुली ना होने के कारण टिटहरी पेड़ को या किसी टहनी को पकड़ नहीं पाती है, जिस कारण टिटहरी पेड़ पर नहीं बैठती है। कहा जाता है कि यदि टिटहरी अपने स्वभाव के विपरीत पेड़ पर बैठी दिखाई दे तो कोई बड़ी आपदा या विपत्ति आने के संकेत होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टिटहरी को मौसम और आने वाली आपदाओं का पूर्वानुमान हो जाता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि टिटहरी जिस दिन पेड़ पर बैठी दिखाई दे उससे 2 या 3 दिन के अंदर भूकंप आने की संभावना होती है। वही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और किसानों का मानना है कि यदि टिटहरी पेड़ पर बैठ जाए तो भूकंप और महाप्रलय आ जाती है। टिटहरी मध्यम आकार के पक्षी होते हैं जिन्हें सामान्य भाषा में टिटोडी भी कहा जाता है। टिटहरी जलीय खेतों की जमीन के खुले व सूखे वातावरण, ताजे पानी की दलदल, झीलों के किनारों और रेतीले पथरीले नदी तटों पर भी पाई जाती है। टिटहरी बाहरी आक्रमणों के प्रति अत्यंत सजग रहने वाली चिड़िया होती है, जो खतरा महसूस होते ही तीव्र ध्वनि के साथ शोर मचाती है। टिटहरी की आवाज तेज है, मातृत्व शक्ति और निडरता से भरी है। मनमौजी चिड़िया एक ऐसा अनोखा पक्षी है जो उड़ता कम है और अपना अधिकांश समय जमीन पर बिताता है। भारत के सभी प्रदेशों में टिटहरी पाई जाती है। मादा टिटहरियों का कद नर की तुलना में छोटा और रंग फीका होता है। टिटहरियां बाहरी आक्रमणों के प्रति निरंतर सजग रहती है। खतरा महसूस होने पर यह तेज आवाज करती है और आक्रांता पर झपट पड़ती है। कोई भी बाहरी जीव यदि इसके घोंसले के पास आ जाए तो यह उत्तेजित होकर चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। यह अपने छोटे बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए छद्म आवरण में रखती है। यदि कोई शिकारी इनके बच्चों के अधिक नजदीक आ जाता है तो माता पिता बच्चों को मरने का स्वांग करने का संकेत देते हैं।
नर टिटहरी पक्षी मादा को रिझाने के लिए हवाई करतब दिखाता है। यह तेज उड़ता है और हवा में गोते लगाता है। ये पक्षी का प्रजनन समय मई से जुलाई के बीच ही होता है। ये अपना घोंसला छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से बनाते हैं। मादा टिटहरी एक ही बार में करीबन 4 से 5 अंडे देती है और इस अंडों के सेने का कार्य नर और मादा दोनों करते हैं। भोजन के लिए टिटहरी या छोटी छोटी दौड़ भरती है, फिर एकदम से रुक कर सीधी खड़ी हो जाती है और शिकार को चौंच में ले लेती है। टिटहरी पक्षी के भोजन में कीड़े मकोड़े, अन्य छोटे जंतु, बिना रीढ़ के जंतु और कीचड़ में उगी हुई नरम वनस्पतियाँ होती है। भारत में पाई जाने वाली टिटहरी दुर्लभ है और इसके संख्या में गिरावट भी हुई है। टिटहरी की संख्या में कमी का कारण खाली जमीन का उपयोग भी है।